ऐसे हम बहुत से आज हैं, आज के जमाने में हम हैं, अंदर से कोड़ी हैं, ऊपर से सांप दिखाई देते हैं, अंदर से स्वभाव ठीक नहीं है, ऊपर से अच्छे दिखाई देते हैं, ऊपर से बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, लंबी दुआएं करते हैं, बड़े बड़े प्रचार करते हैं, बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े लेख लिखते हैं, बहुत बड़े इलेक्शन लड़ते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर में कोड़ है। में आप सबको नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, ताकि हम अनंत जीवन को पा सके। अगर हम उनके पास जाएंगे तो हम उस अनंत जीवन को पा सकेंगे। अगर हम उनके पास नहीं जाते हैं, पापों को क्षमा नहीं मांगते हैं, तो हम कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी रो ले, हम अनंत जीवन नहीं पा सकेंगे। इसीलिए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के पास जाए और उस स्वर्ग शांति को पा ले। तो इसी भाव में हम स्वर्गीय प्रभा तिमोथी के द्वारा एक गीत सुन लेंगे, जिसका बोल इस प्रकार है, गुजार दी है उम्र तुमने यूं ही रोते रोते। उसके तुरंत पश्चात हम डॉक्टर प्रीदेव दास के द्वारा हम आत्मिक संदेश सुनेंगे। धन्यवाद। गुजार दी है उम्र तुमने में आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की। यीशु सहाय। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि एक और अवसर उसने दिया कि हम उसके वचन से कुछ अध्ययन कर सकें। परमेश्वर बड़े बड़े काम छोटे छोटे लोगों के द्वारा करवाता है। बहुत सारे उदाहरण बाइबल में हमको प्राप्त होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मरियम के बारे में सोचिए। ये कहा गया कि दाऊद के घराने में पैदा होगा यीशु मसीह, जगत का उद्धार करता। सब लोगों की बड़ी बड़ी अपेक्षाएं थी कि राजमहल में पैदा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, जो भी होगा। लेकिन वो देखो तो एक गरीब कुमारी लड़की मरियम, जो कि नगण्य है, उसको उसने चुना और उस मरियम को कोख से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। मरियम हालांकि दाऊद के वंश से थी, दाऊद के घराने से थी, लेकिन मरियम को उसने चुना। मतलब यह हुआ कि छोटे छोटे लोगों के लाभ जो समर्पित हैं, इन लोगों के साथ में वो काम करवाता है।
समर्पण बहुत ज्यादा जरूरी है। अंदर से एक सफाई होनी चाहिए, हमारे अंदर में एक पारदर्शिता होनी चाहिए, हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ डायरेक्टली संबंध से जुड़े होने चाहिए, तब ये काम हमारे साथ हो सकता है और तब हम बहुत खुश भी रह सकते हैं। खुश मिजाज कब रहते हैं? जब प्रभु का उद्धार हमारे अंदर में रहता है, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में रहता है, तो हम हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। मरियम देखिए, उस परिस्थिति में भी खुश थी, पहले भी खुश थी, बाद में भी खुश थी, आखिरी में भी खुश थी, दुख में भी खुशी थी, सारी बातें जो है ये चलती रहती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे रिपोर्ट में देख रहा था, 100 ईयर्स का सर्वे उन्होंने किया कि सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है जगत में। बहुत लंबा चौड़ा सर्वे था उनका, और उसमें उन्होंने देखा ना कोई पैसे वाला था, ना कोई धनवान व्यक्ति खुश था, ना कोई बड़ा नामचीन व्यक्ति खुश था, ना पढ़ा लिखा आदमी मिला खुशी भी मिला, बहुत बड़ा एक्टर जो है वो भी नहीं है, जो बहुत बड़ा लीडर है वो भी नहीं है, कोई पॉलिटिशियन भी नहीं है, कोई किसी प्रकार का हिस्टोरियन भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कौन है सबसे ज़्यादा खुश है? सबसे ज़्यादा खुश वो सेक्टर है, वो मानव है, वो समाज है, वो लोग हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं, जो दूसरों की सेवा करते हैं, मतलब जो सेवा करते हैं, ये ज्यादा खुशी मिलती है हमको, सेवा करने में खुशी मिलती है। मतलब ये हुआ कि हम प्रभु यीशु मसीह के बंदे हैं तो हमारे अंदर में वो सेवा भावना आ जाती है, हमारे अंदर में वो प्रेम आ जाता है, हमारे अंदर में वो सारी अच्छाइयाँ आ जाती है। कैसे आ जाती हैं? ये पवित्र आत्मा का काम है, इसके अनुसार होता है। देखिए, परमेश्वर जो है छोटी छोटी लोगों को, छोटी छोटी चीज़ों को चुनता है। इसके बारे में मैं जब सोच रहा था तब मेरे को याद आया उस छोटी लड़की के बारे में, जो कि दूसरा राजा 5वें अध्याय में नामान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना करके टाइटल लिखा हुआ है, उसमें आप पढ़ेंगे तो एक छोटी सी लड़की करके कहता है, दूसरे वचन में लिखता है कि आरामी लोग दल बांधकर इसराइलों के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए। छोटी लड़की, लिटिल गर्ल। छोटी कैसे? छोटी जात की छोटी है, समाज की छोटी है, किस में छोटी है, दिखने में छोटी है, क्या छोटी है, क्या छुटपन है, कितनी बड़ी है, कोई चीज नहीं है, एक छोटी लड़की, यहूदी लड़की है। इसके बारे में मैं खोजबीन कर रहा था तो मेरे को ऐसा मिला कि ये 8 से लेके 12 साल के बीच किए करके दिए, कोई एग्जैक्ट एज किसी कमेंटेटर ने नहीं बताया, ना बता पाए हैं। ये छोटी लड़की को लेके आए, बंदी बना के लाए हैं। अब देखिए, नामान जो है एक शूरवीर था, और उसमें लिखा है पहले शुरू में ही, देखिए 5वें अध्याय में ही, उसके आखिरी पोर्शन में लिखता है वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। नामान जो है शूरवीर था लेकिन वो कोढ़ी था। कैसे कोढ़ी था? मतलब अंदर से कोढ़ी था, बाहर से नहीं दिखाई देता था। नामान जो है हरदम विजेता रहने वाला था, सीरिया राज का सेनापति था, हरदम विजेता था, हरदम विजय प्राप्त होता था। इसमें थोड़ा मैं पढ़ा तो मेरे को ये भी लगा कि प्रभु जो है, परमेश्वर जो है, हरदम इसराइलियों के साथ में रहे हैं। पहले क्या क्या है? पहले इसराइलियों के साथ में थे, मतलब देखिए अब्राहम के साथ में था, इसहाक के साथ में था, और उसके बाद याकूब के साथ में था, उसके बाद मूसा के भी साथ में था, गिदेओन के साथ में था, सब साथ में इस्राएलियों के था। लेकिन यहां पर जो है, क्या पढ़ के देखना पूरा अध्याय को, ये जो है सीरियन लोग के साथ में परमेश्वर हो जाता है, और यहाँ नामान को विजय मिलता है कि जितने बार इसराइलियों पर अटैक किया ये विजय प्राप्त करता रहा। और नामान जो है, लेकिन सब विजय था, सब कुछ था, लेकिन अंदर से ये कोढ़ी था। मतलब ब्रेस्ट प्लेट उतारता होगा या अपना कोट या वस्त्र उतारता होगा तो अंदर उसकी कोढ़ दिखाई देती है, ऊपर से कोई कोढ़ नहीं दिखाई देता है। ऐसे हम बहुत से आज हैं, आज के जमाने में हम हैं, अंदर से कोढ़ी हैं, ऊपर से साफ दिखाई देते हैं, अंदर से स्वभाव ठीक नहीं है, ऊपर से अच्छे दिखाई देते हैं, ऊपर से बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, लंबी दुआएं करते हैं, बड़े बड़े प्रचार करते हैं, बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े लेख लिखते हैं, बहुत बड़े इलेक्शन लड़ते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे अंदर में कोढ़ है। यदि वो कोढ़ है तो अंदर से खा जाता है, और उस समय बहुत ही कंटेजियस डिजीज माना जाता था, और ये कोढ़ हुआ तो मृत्यु के सिवा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, ऐसा मानते थे उस समय। यहां पर नामान के बारे में बताया गया है कि नामान जो है
कोड़ी था। देखिए बहुत सारे चेंजेस होते हैं और वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ चेंजेस, चेंजेस के फैक्ट कई फेजेस में चेंजेस होते हैं, सारी चीज़ें बदलती जाती हैं। मैं आपको कैसे बताऊं, पहले देखिए पहले बोलते थे अंडा खाना बहुत अच्छा है, बाद में बोले अंडा मत खाओ, फिर बोले हुआ और लेख में देखो पीला वाला मत खाओ सफ़ेद खाओ, फिर उसके बाद बोले दो अंडा खाओ, फिर बोले तीन अंडा खाओ, फिर गेहूं के बारे में आया कि गेहूं के आटा नहीं खाना चाहिए, फिर उसके बाद आया फलों के बारे में बोलते हैं खाना खाने के बाद खाना चाहिए, कई लेख दिखते खाना खाने के पहले खाना चाहिए, कई प्रकार के थ्योरम्स थ्योरीज और ये सब चीजें बदलती रहती है। लेकिन अवर गॉड इज अनचेंजेबल गॉड, ना बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ में। बहुत सारे चेंजेस हैं हमारे जीवन में लेकिन परमेश्वर जो है चेंज नहीं होता है। क्या हुआ इसराइली लोगों के अंदर में कई चेंजेस आए, यहाँ पर इसराइली लोग हारते जा रहे हैं, नामान जीतते जा रहा। नामान का जो है नाम का मतलब प्लेजर शायद होता है, प्लेजर मतलब प्लेजेंट या जो भी ऐसा कुछ है। देख बहुत सारे चेंजेस उस आदमी में थे क्योंकि सेनापति था, अधिकारी था, राजा का चहेता था और विनर था, कभी हारा नहीं है, जीतवे जीत था, ये सब कुछ था लेकिन उसके अंदर में कोढ़ था। ये देखिए अब ये क्या हुआ, आगे हम आगे चलते हैं। ये यहूदी लड़की को लाए, ये बंदी बनाकर एक लड़की को लाए, यहाँ ऐसे कहिए कि नामान की पत्नी की दासी बनकर आई और ये लड़की जो है लड़की जान गई कि नामान कोड़ी है। कैसे 24 घंटा दिन घर में रहती है और उसके मेम साहब के साथ साथ रहती है, उसके पूरे काम करती है, वहाँ पर नामान आता होगा, नामान का आना जाना उसको मालूम है, घर के अंदर ये रहती है, नामान कपड़े उतारता होगा वो देखी, नहा के निकलता होगा तो देखी, मलहम पट्टी करता होगा तो देखी होगी, सब कुछ देखी लड़की। लेकिन ये लड़की जो है बहुत काम की निकली, छोटी लड़की करके लिखा हुआ है, कहता है कि छोटी लड़की बंदी बनाकर लेके आए, वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और देखिए ये सेवा करती थी ये जान गई। अब मैं बताऊं ये लड़की जो है एक शुभ संदेश देती है, शी गेव ए नाइस सरमन, नाइस मैसेज, एक बहुत बड़ा एक चाबी उसको देती है, एक कुंजी उसको देती है, आनंद का, चंगाई का, स्वर्ग जाने का, जो भी बोलिए ये करती है। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इसराइल की लड़की इस प्रकार कहती है, क्या कहती है इसराइल की लड़की जो है, ये जो यहूदी लड़की जो है, ये नामान की पत्नी के साथ में जो रहने वाली लड़की है, ये देख ली और देख लेने के बाद उसने अपने क्या किया, अपने स्वामिनी से कहा, मालकिन से कहा, लड़की है निसंकोच बेडर होके गई, बिल्कुल निडर होके जाके बोलती है, मेरा स्वामी, जिसको याद रखना मैं आगे भी अपन देखेंगे, यदि मेरा स्वामी शिमरोन के भविष्यता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोड़ से चंगा कर देता। शमरोन के भविष्यता एलिशा के बारे में ये बता रही है, उसको बताइए, किसको बताइए, मालकिन को बताइए, वो जाके ये नामान को बताई है और नामान ये सुन के राजा के पास जाता है। एक छोटी लड़की जो है ये एक बड़ी रिवाइवल की मैसेज दे रही है, एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते, वो एक छोटी सी लड़की कर रही है। देखिए मैं इसके बारे में एक एग्जाम्पल एक स्टोरी में पढ़ा था कहीं, तो भी किसी भी पास्टर के शायद टेस्टिमनी है, उसने बताया कि एक स्कूल में 6 साल का एक लड़का, क्लास में टीचर जो है बैठी थी, बोली कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत खराब है, मैं रेस्ट करती हूँ, तुम लोग हल्ला मत करना। तो लड़का उठा, कहे मैडम 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 एक बात क्या, कि आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू, मैं तेरे लिए दुआ करना चाहता हूँ। बोले क्या दुआ, तो बोले आप दुआ करना, मेरे पादरी ने मुझे सिखाया है, हमको बताया है कि जो बीमार है तो उसके लिए दुआ करना चाहिए करके, मैं दुआ करूँगा। तो लोग बोली मना नहीं कर सकती, क्रिश्चियन स्कूल ही था, मना नहीं कर सकती। वो बोली बेटी ठीक है, बच्चों के सामने ये दिस फेलो स्टार्टेड प्रेइंग, छोटा सा दुआ जो भी बनता है उससे वो दुआ किया। उसके बाद ये जो जाने वाली थी उसी कुर्सी पर बैठ गई, बैठ के सोचने लगी और सोच रही थी, धीरे धीरे तो उसको अच्छा लगने लगा। तो पीरियड की घंटी जब बची, जाने का था, उसने बुलाया, बेटा बेटा सुन इधर, तू दुआ किया तो मेरे को अच्छा लग रहा है। तो बोले अच्छा लग रहा है ना, यदि पूरा अच्छा होना है तो मेरे पादरी के पास चले जाओ। बोलो कौन है पादरी, उसने पूरा एड्रेस दी। चर्च में ये गई, पास्टर साहब ने पूछा कि आप कैसे आए,
तो बोले आप मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं तो दुआ करूँगा, लेकिन आप मेरे पास कैसे आए? तो उसने बताया ऐसा ऐसे लड़का है, वो ऐसा ऐसे बोला है, ऐसा करके। तो पादरी ने दुआ किया एंड शी वॉज हील्ड। उसको अच्छा लगा। किसके द्वारा? एक छोटे से बच्चे ने। बड़े लोग ये काम नहीं कर पा रहे, हम लोग ये काम नहीं पा रहे जो कि बच्चे लोग कर सकते हैं। ये काम जो है, मतलब ये बच्चे लोग जो हैं हमसे ज़्यादा काम करने वाले हैं। शायद इसीलिए यहाँ पर एक परमेश्वर ने कुछ ऐसा इंतजाम किया कि ही वॉन्टेड दैट नामान शुड बी सेव्ड। जो परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसके लिए बहुत सारे रास्ते भी निकालता है, अवसर भी देता है। हमसे प्रेम करता है इसलिए हमें अवसर देता है। हमारे लिए अपना पुत्र को दिया कि तुम विश्वास करो, मेरे पास आ जाओ, देखो सैल्वेशन का मैसेज है, वचन है तुम्हारे पास में, बाइबल है तुम्हारे पास में, पवित्र आत्मा है तुम्हारे पास में, तुम पढ़ो जानो, ये छोटा सा मैसेज देखो कि तुम अपने मुंह से उसे उद्धार करता करके अंगीकार कर लो, खत्म। और कुछ करना नहीं है। इतनी सारी चीजें वो हमारे लिए करके रखा है। यहाँ पर देखिए, ये शोमोन, ये लड़की बोली उसको जाने के लिए, ये गया, ये जाके राजा को, अपने राजा को जाके बताया, शायद बेनहद या कोई के नाम उसका था, मेरे को याद नहीं है, उसके पास जाके इसने बताया। राजा बोले वेरी गुड, मैं चाहता हूँ मान के तू चंगा हो जा, क्योंकि तेरे जैसा सेनापति मेरे को मिलेगा नहीं, तेरे जैसे अधिकारी आर्मी ऑफिसर मेरे को मिलेगा नहीं, तेरे जैसे कमांडर मेरे को मिलेगा नहीं, मेरे को चाहिए तू विजयी कमांडर सेनापति, तेरे को ठीक हो ना? मैं उस राजा के लिए मैं तेरे को चिट्ठी देता हूं, और ये चिट्ठी लेके तू उसके पास चले जाना, और शायद इजरायलियों के राजा का नाम जोराम या कुछ ऐसा था, उसको मैं चिट्ठी देता हूं। उसने चिट्ठी दिया कि मैं यहां अपने सेनापति को भेज रहा हूं, इसको जो है कोड है, और मैंने सुना है कि तुम लोग जो है कोड़ी को ठीक कर देते हो, चंगाई करते हो, इसको ठीक करके वापस भेजना। एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दी है, अथॉरिटी लेटर दे के दी। ये अपने रथ घोड़ा सब लेके नामान चले गया उसके पास में, और उसके पास चले गया तो अब राजा देखे उसकी हालत क्या होती है। एडनेसेंटली यदि तुम सेव्ड नहीं हो, तुम्हारे पास ऐसी खबर आती है तो तुम्हारे अंदर में हलचल होना तो जरूरी है। देखिए क्या आता है यहाँ पर, क्या बोलता है सातवें वचन, ये सातवें वचन बोलता है, ये पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं? मतलब इसको मालूम है कि परमेश्वर मार भी सकता है, जिला भी सकता है, तो फिर उसके पास क्यों नहीं चले जाते हैं? हम मालूम होते हुए रास्ता भटक जाते हैं यार। पहले सीख तो ये हमारी कमजोरी है, हमको सब मालूम है, सब जानते हैं, लेकिन सही रास्ते पे नहीं चलते। ये वो राजा देखो परेशानी है, तो भी इसको अकल नहीं खुल रही है। अब बोलता है कि उसकी कोर दूर करूं, सोच विचार करो, वह मुझसे झगड़ा करने का कारण ढूंढता है। ऑलवेज थिंक अबाउट द इविल डेविल एंड डेविल इज देयर। तुम जो है घुमा फिरा के इसको अच्छे रंग से ले सकते थे, परमेश्वर को तुम जानते हो, वो मारने वाला जिलाने वाला सब कुछ है, तो उसके शरण में जाते तो ठीक होता, अपने कपड़े फाड़ के स्टाइल मारे, तुम दुख दिखा रहे हो। सारे घबरा गया, मतलब परेशान हो गया, वस्त्र फाड़ दिया, गड़बड़ हो गया। अब देखें यहाँ पर एक चीज मैं ये बताऊँ आपको, लड़की हैज गिवन क्लियर कट डायरेक्शन। लड़की ने एक सही डायरेक्शन दिया है कि बोलती है, मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यता के पास होता तो क्या अच्छा होता। शमरोन के भविष्यता एलिशा के पास बोली, एलिशा का एड्रेस दी, और ये जो है मिसगाइड होके कहा गया अपने राजा के पास गया, और उसका राजा ने उसके राजे को लिखा, और उसके राजे ने उसका अकल को कपड़े फाड़ के बैठा है, वो टेरिफाइड है, घबराहट में पड़ा है, क्या हुआ? तो ये नामान को सीधा क्यों नहीं जाना था, वो भी गड़बड़ हो गया। एड्रेस क्लियर होने के बाद भी ये सही नहीं जा पाया, ऊंचा रिकमेंडेशन लेके जाना चाहता है, लेकिन उसको परमेश्वर ने नामान को भी एक सबक सिखाया, उसको बताया कैसे। देखिए उसके बाद क्या बोले, और उस एलिशा को पता चला कि राजा जो है कपड़े वपड़े पड़ा, उस पूरे अध्याय को पढ़ना, इट्स वेरी एंकरेजिंग और बढ़िया स्टोरी भी है, बहुत लाइवली स्टोरी लगता है एकदम। और उसके पास क्या हुआ, एलिशा के एलिशा जो है दूध भेजा राजा के पास, तू कपड़े वपड़े फाड़ के क्यों गड़बड़ कर रहा है, तू काय अपनी तबीयत खराब कर रहा है, भेज उसको मेरे पास, मैं ठीक कर दूंगा, वो समझ जाएगा कि मेरा परमेश्वर कौन है। एलिशा ने ये नहीं कहा कि मैं कौन हूँ समझ जाएगा, नहीं है, मेरा परमेश्वर कौन है समझ जाएगा, इसके पास अकल है। फिर उसने अब ये नामान जो अपने रथ घोड़े सब लेकर एलिशा के घर पर गया, और एलिशा के घर पर जब गया तो एलिशा निकला नहीं, गहेजी को भेजा, अब बोले जा उसको बोल यर्दन में 7 बार डुबकी मारे और चंगा होके चले जाए। नामान बोला
मैं जाता हूँ, लोग मुझे अदब से सलाम करते हैं, घबराते हैं, उठ खड़े होते हैं, क्या बात हो गया, सेनापति आ गया, ऐसा क्या हो गया। और वो इसराइली लोगों को जीत भी दिल जीत उसके इसराइली लोगों के ऊपर जीत दिखाने वाला ये नामान आ गया, और भी घबराहट होती क्यों आ गया है। और ये जो है बेफिक्र हो कि अपने नौकर को भेज रहा है, मेरे को आके गुड मॉर्निंग तक नहीं बोल रहा है, नमस्ते तक नहीं कर रहा है। बोले ठीक, गुस्सा हो गया, नामान का पारा चढ़ गया। लेकिन नामान में एक अच्छाई चीज, मैं कई अच्छाइयों को भी बताऊं मैं आपको, ही मतलब वो अपने सबऑर्डिनेट्स की भी सुनता था, एक छोटी लड़की को भी सुना, उस पर विश्वास किया। यहाँ पर ये जब गुस्सा होके बोलता है मेरे यहाँ तो साफ साफ नदियाँ, वास्तव में अर्दन नदी बहुत मैला नदी है, इसमें कहाँ डुबकी लगाऊँ, मैं जाकर अपने यहाँ के नदियों में धो सकता हूँ, नदियाँ कम है क्या हमारे देश में, हमारे सीरिया में बहुत सी नदियाँ हैं, ये बोल के बोल सकता, बोलने लगा। तो उसके अधीन जो लोग थे उन लोग बोले, देखिए उसके सबऑर्डिनेट जाके उसको बोले, मतलब ये उनकी सुनता है, सुनता था और सुनेगा, ये मालूम था इन लोगों को, इसलिए इन लोग अप्रोच किए, नहीं तो सेनापति के पास कौन जाता बोलने के लिए, चलो चलो, तो बोले चलो चलो निकलो। लेकिन बोले नहीं गुरु, यदि वो कुछ कठिन चीज बोलता तो तुम करते कि नहीं, जो भी बोलता करते कि नहीं, अब तुमको बोला है तो इतने दूर अपन आए हैं तो आजमा के देख लेते हैं। नामान को बात भा गई और वो जाके डुबकी लगाया 7 बार और चंगा होके निकल गया। देखिए बाहर से तो साफ दिखाई देता है कि बहुत अच्छा आदमी है, ताकतवर सेनापति है, लेकिन अंदर से कोड़ है उसके अंदर में। बाहर से खूब अच्छे दिखाई देते हैं कि बहुत बड़ा सिंगर है, बहुत बड़ा प्रीचर है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, लेकिन इनको ड्रग्स लेके अपना जीवन बिताना पड़ता है क्योंकि शांति नहीं है, अमन नहीं है, चैन नहीं है, दिल में उदासी उदासी, घबराहट, दूसरों को खुश करे, नाम अच्छा है, बफ्तर सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से बिल्कुल बिल्कुल खराब हो गए। सेलिब्रिटीज हैं लेकिन अंदर से क्या है, ड्रगिस्ट हैं। कैसे हुआ, क्योंकि नामान जो है ऊपर से ठीक दिखाई देता लेकिन अंदर से ये था, ऐसे लोगों के लिए दिखाई देता है। लेकिन देखिए नामान जो है 60 लाख करीब का गिफ्ट लेके गया, कैलकुलेशन करके मैं कहीं तो भी पढ़ रहा था, क्योंकि वो देखिए इसके बाद 4:5 के दूसरे भाग में लिखा है, तब वह 10 किक्कार चांदी, 6,000 टुकड़ा सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। मतलब गया कहाँ, राजा के पास, और जाके ये गिफ्ट जो है ये वो राजा को, तो राजा कपड़े फाड़ के बैठा है, उसको क्या गिफ्ट देगा, ये इसके एलिशा के पास गया। अब ये ठीक होने के बाद बोलता है कि ये गिफ्ट जो है तेरे लिए है। एलिशा बोलता है आई डोंट वॉन्ट दैट, मेरे को कोई गिफ्ट वगैरह नहीं चाहिए, तो जा, परमेश्वर ने तुझे चंगाई दी है। और एलिशा अंदर से मेरे को लगता है सोचता होगा कि बोला तो नहीं है और लिखा भी नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आती है, ये बोला होगा जा तू एंजॉय कर, हेल्दी लाइफ लीड कर, लेकिन हमारे ऊपर आक्रमण मत करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर को तू जान लिया है, जिलाने वाला, मारने वाला, चंगाई देने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, तेरे को मालूम हो गया ना, अब तुम चढ़ाई मत करना, फिर इधर झांक के देखना भी नहीं, ये सोचा होगा तेरे गिफ्ट से मेरे को क्या लेना देना, तेरा गिफ्ट मुझको नहीं चाहिए। लेकिन एक देखे ये गिफ्ट को मैं कैलकुलेट करके देख रहा था, तो मैं कैलकुलेशंस भी पढ़ रहा था और कन्वर्ट करके देखा तो ये करीब करीब 60 लाख रुपए का गिफ्ट था। लेके गया था 10 सिक्कार चांदी, 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर गया था, रवाना हुआ था। अब रवाना हुआ, इसने मना कर दिया। अच्छा मना कर दिया तो मैं आपको एक चीज और बताऊं, जब ये एलिशा ने मना कर दिया तो गेहजी उसका दास जो है कहते हैं कि यदि तुमको बुरा आदमी बनना है तो गेहजी जैसा बनो, अच्छा आदमी बनना है तो एलिशा जैसा बनो, ये है गुरु और चेला दोनों। लेकिन ये चेला जो है इसके ऊपर जो है ये कुछ लालच सवार हो गया और वो लालच के कारण ये दौड़ा गया और बोले कि मेरे को जो भी बहाना आप पढ़ के देख लीजिए, ये आया वो आया जो भी आया, मेरे को चाहिए, कितना चाहिए बोलता है, मेरे लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र मुझको दे दे करके बोलता है।
एक की कार चांदी दे दे और दो जोड़े वस्त्र दे दे, ये लेके कितना निकला था? 10 की कार चांदी निकला था, एक की कार मांग रहा, मतलब 9 अभी भी इसके पास बच गया। और उसके बाद 10 जोड़े कपड़े लिखा था, लेके गया, उसने 2 जोड़े कपड़े मांगा, 8 जोड़ी कपड़े और इसके पास बच गए। 60,000 टुकड़े जो सोना है वो तो सोना का सोना बचा ही हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये पैसा लेकर, ये गिफ्ट को लेकर ये वापस जा नहीं सकता, उस राजा को फिर से दे नहीं सकता, क्योंकि राजा ने एक बार गिफ्ट दिया मतलब फिर से वापस होना उसकी बेइज्जती है। तो ये किसको देना है? इजरायली लोगों को लिए देना है। वहाँ एलिशा लिया नहीं है, गहजी आके लिया भी तो उसमें से कुछ ही पोर्शन लिया, 2 की कार और 2 जोड़ी कपड़े लिया, 1 की कार और 2 जोड़ी कपड़े लिया और बाकी लिया नहीं, उतना ही मांगा है तो उसको उतना ही दिया और उसके कारण वो कोड़ी हो गया। आप पढ़ के देखना, उस पे श्राप, वो टॉपिक दूसरा है। गहजी जो है वो पनिशमेंट के अधिकारी था, पनिशमेंट उसको चाहिए था, उसको पनिशमेंट मिल गया। ये जो है मतलब ये हुआ कि इसके पास अभी बचा हुआ है, कि जो बचा हुआ है उसको लेके राजा को भी नहीं दे सकता है। इधर राजा को देने के लिए तो कपड़े फाड़ के बैठा, इसको दे नहीं सकता है। गए ये एलिशा के पास जाओ तो उसे वैसे ही डर लगता है, वो तो निकला भी नहीं देखने को, वो तो मना ही कर दिया, अब जबरदस्ती करूंगा तो कुछ और कर देगा, क्या मालूम है, उसको भी नहीं दे सकता। चल कम से कम गए जी थोड़ा बहुत ले गया है, उसी में संतोष। लेकिन बचा हुआ क्या किया होगा, इसको मैं सोच रहा था कि इसके लिए क्या किया होगा। अब भी सोच के देखना ना, मैं बताऊं क्या किया होगा। जाके उस लड़की को दे दिया होगा, बोला होगा बेटा तूने वो काम किया जो कि जगत में आज तक कोई कर नहीं सका, इसका कोई इलाज नहीं है, ये कोढ़ है, मैं मरता इससे। तेरे को मालूम मैं कितने परेशान रहता था, रात को नींद नहीं आती थी, जीत के आता था जंग तो मेरी आदर सत्कार होता था, कई मालाएं फेंकते थे, फूल फेंकते थे और जुलूस निकलता था, गाने बजाने नाच के साथ निकलते थे, सारी चीजें होती थी, लेकिन मेरे अंदर में चैन नहीं था। बाहर से सब कुछ मेरे को मिलता था लेकिन अंदर से मेरे को कुछ नहीं, मेरे को चैन नहीं था। मैं जानता हूँ लेकिन मेरे बेटे पता नहीं तेरे को कैसे बंदी बना के मैं लाया कि मेरा भाग्य खुल गया। हे प्रभु येशु, पता नहीं तू कैसे मेरे जीवन में आ गया, मेरा भाग्य खुल गया। मैंने केवल बोला प्रभु मुझे माफ कर और मुझे माफ कर दिया। मैंने तुझको बोला भी नहीं। लड़की देखिए, ये लड़की के अंदर मैं आपको बताऊं, लड़की में सबसे बड़ी चीज जो है क्षमा का गुण इसके अंदर में था। यीशु मसीह ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, और वो क्षमा का नेचर इसके अंदर में था, वही आवाज थी, क्योंकि ये तो चिढ़ सकती थी कि मेरे को बंदी बना के लाए, मेरे माँ बाप से छुड़ा के लाए, मेरे देश से लाए, यहाँ मेरे से सेवा कराते हैं, मेरे को सर्वेंट बना के रखे हो, मैं दासी हो गई हूँ, मैं तुम लोगों के ऑर्डर करती हूँ, तुम्हारे टुकड़ों पर पलती हूँ, मैं अपने घर में सूखी रोटी खाती तो ज़्यादा चैन से रहती, लेकिन तू मेरे को यहाँ लाया है, तेरे को कोढ़ है और कोढ़ में तू मर, मैं और दुआ करूँगी खुदा इसको जल्दी माफ, इसको कोढ़ और बढ़ा दे, ऐसी कर सकती थी। लेकिन दैट लिटिल गर्ल वर सो ब्यूटीफुल इन नेचर, इतनी प्यारी लड़की कि वो मालिक की भलाई को चाहिए। उसने बोले कि यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यता के पास होता तो क्या अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोड़ को चंगा कर देता। कितना अच्छा रास्ता बताइए, कितना अच्छा नेचर है इस लड़की का। इसीलिए छोटे छोटे लोगों से बड़े बड़े काम करवा लेता है खुदा। एक छोटी लड़की बोला है, एज मैंने बताया ये 8 से 12 साल करके अंदाज है, सोचिए एवरेज 10 साल का ले लो। 10 साल की लड़की के अंदर में कौन सा ऐसा ज्ञान है, ये बिचारी अपने माँ बाप से अलग है, इसको छोड़ के ये लड़की जो है इसकी भलाई चाहिए। एंड ही से सी दिस लिटिल गर्ल सेव्ड अ सोल, एक आत्मा को बचा ली है। कैसे बचा ली, कि केवल एक है रास्ता बताई, हालांकि रास्ता ये भटक गया था, जिसने बोला शमरोन के भविष्यता के पास जा, ये राजा के अपने राजा के पास चले गया, अपना राजा उस राजा के पास भेज दिया, वो राजा जो है शोक मनाने लगा। लेकिन ये सही ढंग से एलिशा जो है, परमेश्वर ने बोला कि देख एलिशा को सब पता लग गया, उसने बुलवाया और वो ठीक हो गई। पहली चीज लड़की में क्षमा था, दूसरी चीज लड़की जो है
थैंकफुल थी, इसमें धन्यवादी गुण था, धन्यवादी नेचर इसके अंदर में था। लड़की क्यों? क्योंकि ये धन्यवाद देती है कि ये मेरा मालिक, मेरा स्वामी कहती है, मेरा स्वामी शिमरोन के पास जाता, उसको अपना स्वामी मान ली है, अपना मालिक मान ली, अपना माई बाप मान ली। किसको? जिसने इसको बंदी बना कर लाया, जिसको चढ़ाई करके जीत के, पता नहीं उनके माँ बाप से छीन के ला के यहाँ दासी जैसा रखे, पता नहीं क्या काम करवाते, क्या ट्रीटमेंट था इनके अंदर भी मुझको नहीं मालूम। लेकिन लड़की जो है थैंकफुल थी कि मेरे को इतना रखे हैं इन लोग, मेरे को अच्छा अच्छा खाना देते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं इनके लिए भलाई सोचूंगी, इनके लिए बुराई कभी सोचूंगी नहीं। जो तेरे लिए बुरा करें तो उसके प्रति तू भलाई कर, तो उसके सिर पे ऐसा अंगीठा रखेगा, सब उपदेशक में बोलता है, नीति वचन में बोलता है, कि उसकी हड्डियां तक पिघल जाएंगी। अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने लोगों से तो सभी प्यार करते हैं, लेकिन दुश्मनों से प्यार करना सीखो। एक गाना भी था, मेरे को याद आता है, अपने दुश्मनों से प्यार करना सीखो। यू शुड लव ईच एंड एवरी वन। हमारे पड़ोसी से हम प्रेम करते हैं, कभी हमने उनको समाचार सुनाया, वो दुखी थे तो कभी गए हम उनके साथ, सांत्वना दिखाए हमने, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बताया हमने, क्या हमने उसका दफन, उनके दर्द को आप महसूस किया है, क्या कभी किसी के साथ शेयर किए हैं, क्या कभी किसी को सांत्वना दिए हैं, क्या किसी, क्या किसी हंसी उड़ाए हैं, हम उनका फायदा उठाए हैं या उनको सहायता की है, यह चीज रखना। लेकिन ये जितने सारे गिफ्ट बचे हुए सब लड़की को दिया होगा, और लड़की को देने के बाद नामान कहता होगा कि यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लड़की को बोलता होगा यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड बोलता होगा। मैं बताऊं, ये चीज़ मैं जब लिख रहा था ना, ये वाला पॉइंट, उस समय मेरे को एक चीज़ याद आई, आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। मेरी वाइफ जब बीमार थी टाटा बॉम्बे में, उस समय एक दिन शाम के टाइम मैं दोपहर को घर में सोया, मैं वहाँ शाम को गया, जैसे गया तो बैठी थी और कुछ कुछ बातें बनने के बाद उसने ऐसे करके बोली, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ लगा, यहाँ से बोली, यहाँ लगा, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट गेव मी, मेरे को हिला दिया वो शब्द। मैं उसकी कोई बात पे इतना इमोशनल कभी नहीं हुआ जितना उस समय हुआ था। मैं बताऊं कि जब उसकी डेथ हो गई, खुल के रो नहीं पाया, ना रोना आया। रात को हम लोग सोए, हॉल में सब बच्चे लोग सो गए, मैं अपने कमरे, मेरी बहन और मैं कमरे में सोए थे। नींद सवेरे जल्दी खुल गई, 26 जनवरी की रिकॉर्डिंग चल रहा था सामने स्टेडियम में, मैं सामने कमरे में दरवाजा बंद करके बैठा सोफा पे, एंड आई वेप्ट लाइक एनीथिंग, खूब रोया, खूब ही रोया, इतना रोया, इतना रोया कि हल्का हो गया। और उस समय मैंने बोला, आरती मेरे को बोली, मैं यीशु मसीह से बोलता हूँ, बोलूँगा माय जीसस यू आर द बेस्ट इन द होल यूनिवर्स, जीसस यू आर द बेस्ट, यीशु मसीह तू सबसे अच्छा है, तू महान है, उद्धार का देने वाला है, तू, तेरे बिना मेरा कुछ नहीं है, तू ही है, तेरे बिना मेरा कोई काम नहीं हो सकता, तेरे बिना मैं चल भी नहीं सकता, तेरे बिना मैं रह भी नहीं सकता, और तेरे विश्वास में जब मैं रहूं तो सारी बातें मिलकर मुझे भलाई उत्पन्न करती हैं। हम एक साथ उसको सोचें कि सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे धन हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे विद्या हो, चाहे ना हो, चाहे परिवार हो, चाहे ना हो, चाहे पोजिशन हो, चाहे ना हो, चाहे कोई पूछता हो, चाहे ना हो, खाने को हो, चाहे नहीं हो, गोरे हो, चाहे काले हो, ऊंचे हो, चाहे नीचे, लेकिन प्रभु मेरे पर आशीष देता है, एंड माय जीसस यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट वन, तेरे से बेस्ट और कोई नहीं हो सकता। मैं बताऊं आपको, ये गाना सुनना आप रोते रोते जिंदगी बिता दोगे, माफी कभी मिलने का नहीं, लेकिन
जब भी दूसरा अंतर अपन सुनेंगे प्रभा की गाए हुई, जब ये गाती है ना स्टेज पे रिवाइवल मीटिंग्स में या माइक पर, जब मैं बगल में खड़े रहता हूँ और ये मेरी बहन बेटी गाती है, हिल जाते हैं। ज्यादा प्रभाव गाने से है, पवित्र आत्मा गाने से उतरता है। ध्यान देख के सुन के देखो, शैतान को दो ना मौका, शैतान को मौका मत दो, मसीह को जीवन में आने दो। यू आर द बेस्ट माय जीसस, मेरे जीवन में आ जा, तो वरना खो जाओगे और पापों में खोते खोते खत्म हो जाओगे। अभी भी समय है। आज यदि हमारे अंदर में कोड़ है, हमारे अंदर में कमी है, हमें मालूम है कि हमारी कमजोरी क्या है। मेरे सिर में दर्द हो रहा तो मुझे मालूम है, मेरे कान से सुनाई नहीं दे रहा तो मुझे मालूम है, मेरे आँख से दिखाई नहीं दे रहा मुझे मालूम है, मेरे पैर में दर्द है तो मुझे मालूम है, मेरे को बुखार आ रहा मुझे मालूम है, तो मेरी आत्मा कमज़ोर हो रही होगी मुझे मालूम है। मैं नकार देता हूँ, हम नकार देते हैं। आज परमेश्वर हमसे बातें करता है, आओ बोलो, हम सब एक साथ बोले, जीसस यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, नो अदर, गो फॉर मी, कोई दूसरा रास्ता नहीं, केवल एक ही मार्ग है, मार्ग जीवन और सच्चाई वही है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। चैलेंज, और जब एक्सेप्ट कर लोगे ना, यू विल हैव दैट पीस, इनाम भी मिलेगा। लड़की को सारी चीजें मिल गई, क्या मिल गई, 9 कार, एक गया तो 10 में से 9 की कार चांदी, 6,000 टुकड़े सोने, पूरा सोना तो पूरा का पूरा मिल गया, और 10 जोड़े कपड़े में 8 जोड़े कपड़े मिल गया। मेरे को लगता है उसके बाद नमान बोला होगा, माय लिटिल बेबी, इफ यू वांट टू गो यू कैन गो, अदरवाइज आई विल लव टू हैव यू, तू मेरी अम्मा बन के रह, क्योंकि यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तूने मेरे रोग को चंगा किया, और क्या चाहिए, सब कुछ है, जो कुछ है मेरा सब मैं तेरे को देने को तैयार हूँ, तू मेरे साथ रहा, यदि जाना चाहती तो जा, मेरा प्रभु मुझसे कहता है मेरे पास रहा, मैं तुझे रखूँगा, ये कांटों का मुकुट देख, मेरे लहू की धारा देख, मेरे अंदर की वेदना देख, मेरे अंदर की तड़पना देख, और ये भाले का फूकना देख, ये छेदे हुए हाथों को देख, ये कीलों को देख, मेरे पीठ को देख, मेरे मांस के लुथड़ों को देख, मेरे अंदर में जो ग्लानी देख, कहीं कहीं तो हड्डियां भी दिखाई दे रही देख, और ये हाथ में कीलों के साथ रस्सियां भी देख, लटका हुआ देख, मेरी सांस फूल रही है देख, मैं जा रहा हूं देख, हे पिता इन्हें क्षमा कर, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम इस गीत को सुनेंगे और कहें एक साथ, जीसस यू आर द बेस्ट। धन्यवाद देते हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि तूने जो अपने पुत्र को दिया, ही इज द बेस्ट, मेरे लिए सब कुछ वही है, हमारे लिए सब कुछ वही है, तेरे जीवन हमारे अंदर में आने दे खुदावन, एक नई जोश हमारे अंदर में दे, एक नया उत्साह हमारे अंदर में,
एक प्रोत्साहन दे, एक आत्मा दे, एक जलती हुई आग हमारे अंदर में रख दे, ताकि खुदावन यू आर द बेस्ट तेरे करीब रह के हमें चैन मिले, ताकि हम तेरे राज्य में प्रवेश कर सके। जो कुछ आयु तूने दिया है इसके एक एक सांस का उपयोग तेरे सेवा के लिए कर सके, ऐसी कृपा अनुग्रह चाहते हैं। जहां अवसर मिले खुदावन, ये छोटी लड़की क्या इसके समान हमारी जुबान को खोल, ताकि हम बोल सकें, सच्चाई का बयान कर सकें। कितना अच्छा होता कि तुम मेरे यीशु मसीह के पास चले जाते, क्योंकि तुम्हारा कोट ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पाप ठीक हो जाएंगे। ये दुआ हम करते हैं, हमारे ऊपर तेरी आशीष होने दे। जितने हमारे दुआ में खुदावन भागीदार हैं, सुन रहे हैं, हर एक पर तेरी कृपा दृष्टि बने रहे। टच ईच एंड एवरी वन एंड ब्लेस देम लॉर्ड। हर एक को आशीषित कर, हम सब पर तेरे की अनुग्रह होने दे। हमारी हर कमी घटी को पूरा कर, निकाल दे, ताकि खुदावन हम उस कोढ़ रोग से निकलकर शुद्ध हो जाएं, और खुदा हम तेरे पास आकर कहें, यू आर द बेस्ट। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड बियरिंग मी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।